तो नेताजी क्या माना जाए, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहना गलत है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। सीमांचल के तरफ जो चार विधायक आए हैं AIM के, दूसरे मुसलमानों को अपनाया जा रहा है, कुछ मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अब जैसे तस्मुद्दीन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिला है, यहाँ पर 2 विधायक है राजद का, और सिवान में देखा जाए तो 6 विधायक है राजद का। तो क्या लग रहा है सिवान गोपालगंज से कोई मंत्री पद में शामिल हो पाएगा? आप देखे होंगे कल के इंटरव्यू में नेता हमारे कहे, माननीय तेजस्वी जी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे नेता ही बोले हैं। नेताजी पहले भी बोले थे कि पूरा हिंदुस्तान के खराब मुख्यमंत्री हैं, तो परिस्थितियों के हिसाब से। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज मोर में, हूँ आपके साथ यूनुस। बगल में देख सकते हैं गोपालगंज के नेता, राजद के नेता काफी मजबूती पेश करते हैं गोपालगंज में, राजू उर्फ राजुल हक। अबरौली विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, गोपालगंज से भी सदर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इनसे बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन गया। इनकी पार्टी सरकार बना ली है नीतीश कुमार जी से मिलकर। हम चलिए, नेताजी स्वागत है आपका और बधाई है। आपका भी स्वागत है। सरकार तो बन गई है, नीतीश कुमार को कितना आप चाहते हैं अभी? हमारे नेता ने ही, आप देखे होंगे कल के इंटरव्यू में नेता हमारे कहे, माननीय तेजस्वी जी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे नेता ही बोले हैं। नेताजी पहले भी बोले थे कि पूरा हिंदुस्तान के खराब मुख्यमंत्री हैं, तो परिस्थितियों के हिसाब से होता है। कभी फैमिली में हम 4 मेंबर में तो उसमें भी झगड़ा होता है, ये तो इतना बड़ा क्षेत्र है, तो कभी किसी बात को लेकर खटपट भी होती है, फिर राय भी होती है, परिवार की बात है। तो नेताजी क्या माना जाए, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहना गलत है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उनमें काबिलियत है, और हमारे नेता बहुत सूझबूझ करके समझौता किए हैं। क्या था भाजपा के साथ में, क्या था, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गोरी, यही सब था, दूसरा कुछ था क्या? लेकिन ये जो सरकार बनी है सेकुलर सरकार है, ये गरीबों की सरकार बनेगी, बेरोजगारों की सरकार बनेगी साबित होगी, और जो है पूरा गरीबों के दुख दूर किया जाएगा यहाँ से। नेताजी बाखूबी जानते होंगे, आपके नेता ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे हम युवाओं को, अभी याद आने लगा है राजद सरकार बनी है गठबंधन? अभी गठबंधन सरकार है, हमारे नेता चीफ मिनिस्टर नहीं हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए उस पर यही बेहतर बोल सकते हैं क्या हो सकता है नहीं, लेकिन उनको याद है। कल भी हमने देखा था, मीडिया में आया था कि हमको याद है, समय आने पर करेंगे, समय आने पर करेंगे। नेताजी क्या लग रहा है, जैसे राजद ने नीतीश कुमार जी से मिलकर सरकार बनाई है बिहार में, आने वाले दिनों में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, जो है आने वाला दिन में जरूर होंगे, लेकिन अभी तो डिप्टी CM है, और जो है सरकार जो है बढ़िया चलेगी, आने वाला दिन में हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री निश्चित ही बनेंगे। राजू नेता को समझ में, गोपालगंज की जनता को समझ में नहीं आ रही है, राजू नेता गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे या बरौली चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये इसलिए सवाल कर रहे हैं हमने, चूँकि आप पूरा गोपालगंज के 6 विधानसभा के आप कमान संभालते हैं। आप उतने ही मत समझिए, 6 विधानसभा ही मत समझिए, हम बिहार के भी नामे जाने अपने लोगों में हैं, अगर 10 मुसलमान हैं तो उसमें एक हम भी हैं, इसलिए हमारे लड़ने की कोई बात नहीं, पार्टी जहां से कहेगी वहां से हम लड़ सकते हैं, ये तो जिला है, अंतर जिला भी कहेगी तो लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गृह जिला है, यहां पर 2 विधायक है राजद का, और सिवान में देखा जाए तो 6 विधायक है राजद का। तो क्या लग रहा है, सिवान गोपालगंज से कोई मंत्री पद में शामिल हो पाएगा? ये मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र है, अब मुख्यमंत्री जाने किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो पार्टी हमारी जानी। क्या आप लोग मिजाज है कि इस मतलब किसी को मुख्यमंत्री में शामिल किया जाए मंत्री में? हम क्यों नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे जिला से कोई हो या अपना कोई हो, हर कोई चाहेगा। राजू जी 3 साल बाकी है, क्या लग रहा है 3 साल में बिहार का दुर्दशा बदल कर रख देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव? ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त होगा, बेरोजगारी भी दुरुस्त होगा, गरीबी भी दुरुस्त होगा। A to Z की पार्टी साबित हो रही है पूरे बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, MLC का चुनाव हुआ था, देखे हर जाति से टिकट दिया गया था, आप बिल्कुल हमारे नेता चाहते हैं, विधानसभा 2020 में भी हुआ था, उसमें भी हर जाति से टिकट दिया गया था। सीमांचल के तरफ जो 4 विधायक आए हैं AIM के,
दूसरे मुसलमानों को अपनाया जा रहा है, कुछ मुसलमानों को बॉयकॉट किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए अब जैसे तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार है, हाँ, सीमांचल के गांधी थे, हमारे नेता थे, उनका छोटा बेटा वहाँ सिटिंग था, बड़ा बेटा मांग लिए, पूर्व जो सांसद हैं टिकट, तो उन्हीं के परिवार में टिकट दिया गया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली के लोग चाहा, उनकी माँ चाहें कि नहीं छोटा बेटा जीते, तो मूल तो वो लोग राजद के ही लोग हैं, कहीं गए हुए तो भले राजद के ही लोग हैं, मूल राजद के लोग हैं, इसलिए फिर राजद में आ गए, यानी पुराने घर में वो लोग आ गए हैं। हाँ, वो तो एक्सीडेंटियल पार्टी थी, एक्सीडेंट में लोग चले गए, ये अपने कर्मठता पर जीते हैं, अपने लोगों के चाहने पर ही लोग जीते हैं, ये पहले के नेता थे वहाँ पर, कोई एएम के सिंबल से नहीं जीते हैं, लेकिन एक हो गया, लेकिन वो राजद के ही लोग हैं। चलिए अंतिम सवाल नेताजी एक यही रहेगा कि क्या लग रहा है राजद से कुछ माइनॉरिटी के लोग खफा हैं, कुछ लोग बिहार के, तो उन कैसे मनाएंगे तेजस्वी यादव? अरे अपने फैमिली में कुछ भी होता है तो हम देर सवेर मना ही लेता है आदमी, ऐसी बात थोड़े है, अगर फैमिली में कहीं दुराव होता है तो फिर समझौता भी होता है, ऐसी बात नहीं है। सीमान और गोपालगंज जिला में क्या आप भी चाहेंगे कि माइनॉरिटी के लोग एक हो जाएं फिर से? हम माइनॉरिटी ही क्यों चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि माइनॉरिटी हो और उसके अलावा ए टू जेड के लोग ही हमारे पार्टी को चाहें और राजद के सपोर्टर बन जाएं, हम तो ये भी चाहेंगे। पूरे जिले में गोपालगंज सिवान में जिला कौन पूछता, हम पूरे बिहार की बात बोल रहे हैं, पूरे बिहार में हम चाहेंगे कि राजदमय ही हो जाए। अच्छा चलिए सिवान का कौन सा पदाधिकारी बनाए गए हैं? हम अभी हम लोगों का संगठन चुनाव चल रहा है, उसमें संगठन पदाधिकारी बनाए हैं हम माननीय जगतानंद सिंह सिवान का। तो चलिए ये राजीव जी थे, अब ये ऐसे देखना होगा बिहार में कैसे विकास होता है। शुक्रिया। क्या आपको बजट कम होने की वजह से बढ़िया फोन लेने में हो रही है दिक्कत? तो अपने भररिया में बिहार टेलीकॉम दे रहे हैं फाइनेंस सुविधा। जी हाँ, बिहार टेलीकॉम से आप सैमसंग फाइनेंस और बजाज फिनजर्व की सुविधा के साथ ले सकते हैं आप ब्रांडेड फोन, वो भी आसान किश्तों में। हम सभी तरह के मोबाइल फोन में डील करते हैं, अपना पसंदीदा मोबाइल फोन लेने के लिए आज ही संपर्क करें बिहार टेलीकॉम भररिया सिवान 9631692917 9006904950।